किशन भारवाड़ की हत्या के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के छोटा उदयपुर के मंदिर में इकट्ठा हुए लोगों पर भी कुछ जमाती लोगों ने उनकी भीड़ के द्वारा हमला किया गया। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो खबर है वो आप सभी लोगों को हिला देगी, क्योंकि ये खबर साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में भी हिंदू आज सुरक्षित नहीं है। 25 जनवरी को इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा 27 वर्षीय किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई। कट्टरपंथियों का आरोप था कि किशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाई गई थी। इस्लाम के अनुसार पैगंबर की तस्वीर दिखाना ईश निंदा है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने हाल में इस हत्या केस में मौलाना को गिरफ्तार किया है, और ये भी पता चला है कि किशन की हत्या एक बड़ी साजिश थी जिसमें पाकिस्तान तक का हाथ था। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या एक बड़ी न्यूज़ इस समय सोशल मीडिया पर बनकर आ रही है, और इस हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किशन भारवाड़ की हत्या के छठे दिन भी अहमदाबाद जिले के धंधुका, बोटाद और राणपुर में बंद जैसे हालात हैं। हिंदू संगठन जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किशन के समर्थन में हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को राजकोट में किशन हत्याकांड के विरोध में भारवाड़ समाज और करणी सेना ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रेस कोर्स रोड से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोग जबरन दुकानों को बंद कराने लगे। इसको लेकर जब दुकानदारों ने उनका विरोध किया तो प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। अब हिंदुओं की हत्या के विरोध प्रदर्शन पे हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज से पता चलता है कि इस समय परिस्थिति गुजरात में कितनी ख़राब है। वहीं राजकोट के पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल ने शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करी है। आपको ये बात मालूम हो कि हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या के मामले में गुजरात पुलिस और गुजरात ATS ने हाल ही में एक मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से पकड़ा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में एक बंदा दिल्ली पुलिस से सिर्फ इसलिए झगड़ रहा है क्योंकि पुलिस उसे कट्टरपंथियों को भड़काने वाले प्रदर्शन में जाने से रोक रही है। आपको बता दें कि किशन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट अपलोड किया था जिसके बाद से वो कुछ कट्टरपंथी सोच के लोगों के निशाने पर आ गया था। बताया गया कि इस वीडियो में किशन ने सोशल मीडिया पर जो कंटेंट अपलोड किया वो मुस्लिमों के पैगंबर से संबंधित था। किशन की पोस्ट पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। पुलिस ने भी किशन के खिलाफ एक्शन लिया था। अब पोस्ट के बाद से ही किशन को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थीं। इस घटना के बाद से किशन अपने घर से नहीं निकल रहा था। मंगलवार को अचानक ही वो अपनी बाइक से निकला था, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी हत्या कर दी गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि किशन पर गोली चलाने वाले बाइक सवार उसके पीछे चल रहे थे। जैसे ही वो मोड़वाना मोड़ के पास पहुंचे तो किशन भारवाड़ पर पहली गोली चलाई गई, लेकिन वो बच गया। इसके बाद उस पर दोबारा से हमला किया गया और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से हिंदू संगठन बेहद आक्रोशित हैं। उन्होंने बीते दिनों धुंधका में बंद का ऐलान किया था। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने इस आह्वान को स्थानीय लोगों और अन्य हिंदू संगठनों का पूरा समर्थन मिला। किशन भारवाड़ की हत्या के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के छोटा उदयपुर के मंदिर में इकट्ठा हुए लोगों पर भी कुछ जमाती लोगों ने उनकी भीड़ के द्वारा हमला किया गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार की रात कुछ लोग रामजी मंदिर में एकत्रित हुए, जहां मुस्लिम भीड़ ने हथियारों के साथ उन्हें घेरा और फिर उनसे मारपीट करी। राजू राठवा द्वारा दायर करी गई शिकायत के अनुसार किसी अनस मकरानी ने उनके पीछे उन्हें लोहे की रॉड से मारा। इसी तरह मनियार जीशान ने कथित तौर पर राहुल नाम के एक लड़के के सिर पर लोहे के पाइप से प्रहार किया। इनके बाद स्मिथ सिंह चौहान ने भी मारपीट की घटना की FIR दर्ज कराई है। अब आपको बता दें कि छोटा उदयपुर में नाबालिगों पर ईश निंदा का जो आरोप लगा था, उसके बाद से किशन भारवाड़ की हत्या के बाद से छोटा उदयपुर में कुछ अन्य युवकों पर भी एक ऐसा ही पोस्ट शेयर करने का आरोप लगा था, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो गईं। लेकिन पुलिस ने शिकायत के बाद से ये पोस्ट सोशल मीडिया से हटवा दिया है। इसके बावजूद भी मुस्लिम युवकों ने उन पर हमला किया। इस संबंध में दोनों समूहों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने
हर किसी को निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत ना करे। वैसे ऐसा कहना बिल्कुल ठीक भी है, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को अनावश्यक आहत करना एक कहीं ना कहीं एक गलत ही एक्टिविटी है, इससे समाज में एक नेगेटिविटी ही फैलती है। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि अगर किसी की भावनाएं आहत भी हुई हैं, इतनी बात के लिए किसी की जान लेना इस देश के कानून के खिलाफ तो बिल्कुल है। अब इसके बाद से हिंदू लड़कों पे से उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी रविवार को मामला बढ़ गया और जब किशन को श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू मंदिर में लोग इकट्ठा हुए तो मुस्लिम भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान उनके पास लोहे की रॉड जैसे खतरनाक हथियार थे। दोनों पक्षों में हुए विवाद मामले में कुल 40 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ, इनमें से 7 को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। इलाके की पुलिस क्षेत्र में शांति स्थापना करने की अपील कर रही है, लेकिन किशन भारवाड की हत्या का जो मामला है अब कहीं ना कहीं एक ऐसा तूल पकड़ चुका है जिसमें बार बार नए मोड़ आ रहे हैं। और ये बात सामने आ रही है कि यदि एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है, तो ऐसे में भारत का कानून, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ वहाँ पर क्या कर रही हैं और क्या उनका भय समाज के अंदर जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं उनके अंदर है या नहीं। क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद इस देश के अंदर कुछ लोगों के अंदर इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसका कोई भय ही नहीं है। वो जब चाहे जैसे चाहे किसी भी व्यक्ति की किसी भी बात पे, चाहे उनकी कोई भी भावनाएं आहत हुई हों, ठीक है हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि इस बात के लिए किसी की हत्या करी जाती है तो वो सरासर गलत है और इस देश का कानून तो कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट आप लोग भी करने से बचें, क्योंकि इन चीज़ों से सही मायने में अगर आप लोगों को लगता है, लेट्स से कि भैया आप लोग हिंदूवादी हैं उदाहरण के लिए, तो अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे के धर्म या पंथ की बुराई करने से आपका धर्म आगे बढ़ेगा तो ये सोचना बिल्कुल बेकार है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, भगवद्गीता के बारे में, हिंदू शास्त्रों के बारे में उनकी जो नॉलेज है आज की जनरेशन के साथ शेयर करें, ताकि वो धर्म का जो महत्व है, धर्म की जो वैल्यू है उसको समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। ना कि ये कि हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहें, क्योंकि इस कीचड़ उछालने का कोई समाधान नहीं है। अब एक बात हमको तय करनी होगी कि यदि सच में एक अच्छा समाज बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले इस देश की रूलिंग पार्टी को, कानून व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई चपड़गंजू किसी भी बात के लिए किसी की हत्या ना कर सके। इस देश में आज कुछ ऐसे वकील हैं जैसे कि अश्विनी उपाध्याय जी, जो लगातार PIL पे PIL दाखिल कर रहे हैं ताकि इस देश के कानून को, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को, इस देश की न्याय व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और लोगों के अंदर सही मायने में कानून का भय भी हो और कानून जो है सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को एक धार्मिक एडवांटेज देकर किसी मामले में छोड़ दिया जाए। कोई भी व्यक्ति जो गलत कर रहा है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर आप भी मेरी बात को समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।